जय पद शरण देयेश्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रीयेश्वरूप 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 चरण शरण जय पद शरण श्रीयेश्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रीयेश्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रीयेश्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रीयेश्वरूप चरण शरण शरण श्रीयेश्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रीयेश्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रीयेश्वरूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रीयेश्वरूप चरण शरण
सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयु रूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयु रूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयु रूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयु रूप चरण शरण चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयु रूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयु रूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयु रूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयु रूप चरण शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्रेयु रूप चरण शरण अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। बहुत डिटेल में ध्यान के विषय में बताया गया कैसे करना है। अगर कोई नया भाई आए हो तो बताइए जिसे फिर दोबारा बताया जा सके। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति मूरत इष्ट देव ईश्वर
परमात्मा। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सी ऐसी परमात्मा की मूर्त है जिसमें सबसे ऊंची भावना आप परमात्मा की डाल सकते हैं। सबसे ऊंची भावना चुनिए। बड़े प्यार से, और अगर डिसाइड नहीं होता कि राम को माने या कृष्ण को माने, शिव को माने, हनुमान जी को माने, बहुत कंफ्यूजन है, किसी एक को पकड़ लीजिए और ध्यान कीजिए उनका। कुछ समय बाद आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप राम को मानेंगे या कृष्ण को मानेंगे, शिव को मानेंगे, हनुमान जी को मानेंगे। वो आकृति आपके सामने आ जाएगी कि भाई तो मेरा है। तब अपने इष्ट देव को पकड़िए। एक इष्ट की आराधना, एक इष्ट की पूजा। अगर रोज रोज बदलेंगे उसका कभी लाभ नहीं होगा आपको। चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्राप्त नहीं होगा। आप अपने इष्ट की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको चिरयुक्त शांति परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर आपको परमानंद की प्राप्ति की खोज करनी है तो आपको ध्यान के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ध्यान के प्रोसेस में चलते चले जाएंगे, अपने इष्ट को गहराइयों से याद करते चले जाएंगे, जितना समय आप अपने इष्ट की गहराइयों में देंगे, जितने समय आप उनको याद करेंगे, उतना ही कंसंट्रेशन गहराइयां आपके इष्ट देव की आपके अंदर बनती चली जाएगी। और जैसे ही याद करेंगे फौरन बड़े आराम से याद आएगी। बगैर याद किए याद आएगी। सोते जागते खाते पीते हर समय उनकी याद होगी। ऐसी आदत बन जाएगी कि जब भी आप खाली हुए ऑटोमेटिक परमात्मा की याद ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। कामे वस्त टूटा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद, काम से छूटा ऑटोमेटिक परमात्मा की याद। जैसे जैसे आप अपने इष्ट देव की गहराइयों में बढ़ते चले जाएंगे, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम बड़े प्यार से अपने इष्ट को याद कीजिए और अपने सामने अपने इष्ट देव की मूर्त बनाइए। बड़े आनंद में ये स्थिति बनाइए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के पुजारी हैं, निराकार। ओम अल्लाह वाहेगुरु। बड़े आराम से बैठिए, आनंदमय अवस्था बनाइए। ये सोचिए कि मैं अपने इष्ट के चरणों में विश्राम चाहता हूं। विश्राम के मायने ध्यान है। जब विश्राम करेंगे तो मन के ऊपर कोई बोझ आपके ऊपर नहीं होगा। बड़े आराम से बैठे होंगे, आनंदमयी अवस्था में बैठेंगे और उसके बाद ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल की धड़कन से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है। ओम 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 कर रहा है हृदय।
आवाज दिल से निकल रही है, जिह्वा से नहीं निकल रही, आप पूरे शरीर में उसके आनंद से आनंदित हुई है। रिलैक्स योर बॉडी, फुल बॉडी, ओम के नाम से। तो अभी एक भोजन होगा और भोजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। छवि नैनों में हो गुरुवर, छवि नैनों में हो गुरुवर, चरणों में ध्यान रहे, प्राणों में तुम रहो सदा, और तुम में प्राण रहे, प्राणों में तुम रहो सदा, और तुम में प्राण रहे, छवि नैनों में हो गुरुवर, चरणों में ध्यान रहे, प्राणों में तुम रहो सदा, और तुम में प्राण रहे। अपनी नाभि में लिए कस्तूरी, ज्यो मृग बाहर भटके, मैं प्रभु तेरा भर्म न जानूं, मन बिसियन में अटके, अपनी नाभि में लिए कस्तूरी, ज्यो मृग बाहर भटके, मैं प्रभु तेरा भर्म न जानूं, मन बिसियन में अटके, मुझ में निज रस भर दो स्वामी, रस में प्राण रहे, मुझ में निज रस भर दो स्वामी, रस में प्राण रहे, प्राणों में तुम रहो सदा, और तुम में प्राण रहे। छवि नैनों में हो गुरुवर, चरणों में ध्यान रहे, प्राणों में तुम रहो सदा, और तुम में प्राण रहे। क्या मांगू कुछ थिर न रहत है, जैसे रात को सपनों, क्या मांगू कछु थिर न रहत है, जैसे रात को सपनों, क्षण भंगुर जगत में मालिक, तुम बिन कौन है अपनों, क्षण भंगुर जगत में मालिक,
तुम बिन कौन है अपनो, प्राण गुरु में गुरु प्राण में ये पहचान रहे, प्राण गुरु में गुरु प्राण में ये पहचान रहे, प्राणों में तुम रहो सदा और तुम में प्राण रहे, छवि नयनों में हो गुरुवर, चरणों में ध्यान रहे, प्राणों में तुम रहो सदा और तुम में प्राण रहे, निर्मल मन जन सोही तो है पावा, निर्मल मोहे बनाओ, निर्मल मन जन सोही तो है पावा, निर्मल मोहे बनाओ, घूंघट के पट खोलो गुरुवर, अब निज रूप दिखाओ, घूंघट के पट खोलो गुरुवर, अब निज रूप दिखाओ, बादिन दर्शन पाऊं मैं जा दिन ना बिमान रहे, बादिन दर्शन पाऊं मैं जा दिन ना बिमान रहे, प्राणों में तुम रहो सदा और तुम में प्राण रहे, छवि नयनों में हो गुरुवर, चरणों में ध्यान रहे, प्राणों में तुम रहो सदा और तुम में प्राण रहे, प्राणों में तुम रहो सदा और तुम में प्राण रहे, तुम में प्राण रहे।
जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटकर केवल मात्र भगवान में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है, भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जिनका भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्य देव नहीं है और जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी अपने इष्ट के एक निष्ठ भक्त जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और एकांत में साधन करते सब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप से उनका चिंतन करते हैं और उन्हीं की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहते हैं, उनका योग क्षेम स्वयं प्रभु करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। अतः भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त हैं, सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचाकर उनकी रक्षा करना और जिस साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, यही उन अनन्य भक्तों का योग क्षेम करना है। जैसे मातृपरायण छोटा शिशु केवल माता को ही जानता है और कभी कोई चिंता नहीं करता कि उसे कब और किस वस्तु की आवश्यकता होगी, उसकी माता ही सब बातों का ध्यान रखती है एवं आवश्यक वस्तुओं की रक्षा करती है और उचित समय आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती है। इसी प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्तों के जीवन में लौकिक और पारमार्थिक किस किस वस्तु की रक्षा आवश्यक है इसका निश्चय भी भगवान करते हैं और उन उन प्राप्त वस्तुओं की रक्षा तथा अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति भी भगवान ही करा देते हैं और भगवान का निश्चय कल्याण से ओतप्रोत होता है और भगवान ही रक्षा तथा प्राप्ति का भार वहन करते हैं। जिन वस्तुओं के प्राप्त होने में या रहने में मनुष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों में फंस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके योग क्षेम की हानि होती है, उनका प्राप्त न होना और न रहना ही सच्चे योग क्षेम की प्राप्ति है तथा जिन वस्तुओं के न होने से व जिनकी रक्षा न होने से भगवान की स्मृति में बाधा पहुंचती है और इसलिए उनका वास्तविक कल्याण के साथ योग होने में तथा कल्याण की रक्षा होने में बाधा उपस्थित होती है, यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग, हेड ऑफिस B20CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारी वेबसाइट है www.absatsang.org। भगवान की स्मृति में बाधा पहुंचती है और इसलिए उनका वास्तविक कल्याण के साथ योग होने में तथा कल्याण की रक्षा होने में बाधा उपस्थित होती है, उनके प्राप्त कराने और सुरक्षित रखने में ही
सच्चा योगक्षेम है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्वितः ते पिमामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे ही मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जिस कामना की सिद्धि के लिए जिस देवता की पूजा का शास्त्र में विधान है उस देवता की शास्त्रोक्त यज्ञादि कर्मों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा करना अन्य देवताओं की पूजा करना है। समस्त देवता भी भगवान के ही अंगभूत हैं, भगवान ही सबके स्वामी हैं और वस्तुतः भगवान ही उनके रूप में प्रकट हैं। इस तत्व को न जानकर उन देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर सकाम भाव से जो उनकी पूजा करना है यही भगवान की अविधि पूर्वक पूजा है। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, परंतु उनके अनुयायी मेरा सर्वव्यापक रूप नहीं जानते। वे अग्नि, इंद्र, सूर्य और सोम के उद्देश्य से यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ भी मुझे ही प्राप्त होते हैं क्योंकि यह सारा विश्व मैं ही हूं। परंतु यह उपासना प्रणाली सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी है। देखो, वृक्ष की शाखाएं और पत्ते सब एक ही बीज से उत्पन्न होते हैं, परंतु सबके लिए पानी ग्रहण करने की क्रिया मूल या जड़ ही करती है, इसलिए जड़ में ही पानी देना ठीक है। इसी प्रकार मेरा वास्तविक स्वरूप समझकर ही मेरी उपासना की जानी चाहिए। यदि मेरे आत्म स्वरूप को बिना जाने हुए मेरा भजन किया जाएगा तो व्यर्थ किए हुए काम की तरह निष्फल होगा। अतः कर्म के लिए ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता होती है और उस दृष्टि का स्वच्छ तथा निर्मल होना भी आवश्यक है। अहम् हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मम भिजानन्ति तत्तेनातिष्ठन्ति। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, क्योंकि वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, यदि वास्तव में देखा जाए तो यज्ञों के समस्त उपचारों का मेरे सिवाय और कौन भोक्ता हो सकता है। मैं ही समस्त यज्ञों का मूल हूं और मैं ही यज्ञों की अंतिम मर्यादा हूं, परंतु इन यज्ञ करने वालों को इस बात का ज्ञान नहीं है और इसीलिए वे दूसरे देवताओं के भजन में लगे हुए हैं। जिस प्रकार देवताओं और पितरों के नाम से गंगा का जल गंगा में ही अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार यज्ञ आदि विधि विधानों के द्वारा वे लोग मेरी ही वस्तु मुझको ही अर्पित करते हैं। परंतु केवल
अर्पण विधि दूसरे देवताओं के उद्देश्य से करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, वे इन विधि विधानों के द्वारा मुझ तक आकर नहीं पहुंचते, बल्कि यज्ञ याज्ञिक लोग जिन देवताओं के उद्देश्य से इन सब कर्मों का आचरण करते हैं, उन्हीं अपनी उपास्य देवताओं को वे लोग प्राप्त होते हैं। यान्ति देवा व्रता देवान् पितृणान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोऽपि माम्। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। जो लोग अपना मन वाणी और इंद्रियां इंद्र आदि देवताओं के भजन में लगाते हैं, वे शरीर पात होते ही उन देवताओं के लोक प्राप्त करते हैं, अथवा जिनके मन पितृव्रत के आचरण में रंगे हुए हैं, वे मृत्यु के उपरांत पितृ स्वरूप होते हैं। जिन लोगों को वैताल पिशाच और हीन ग्राम्य देवता ही सबसे श्रेष्ठ जान पड़ते हैं, और जारण मारण आदि मंत्रों के लिए जो उनकी उपासना अंगीकार करते हैं, उनके शरीर का पर्दा जब मृत्यु उठा देती है, तब वे लोग तुरंत ही भूत योनि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने संकल्पों या विचारों के अनुसार ही अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। परंतु जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, जिनकी आंखों ने मेरे दर्शन किए हैं, जिनके कानों ने मेरा श्रवण किया है, जिनकी वाणी ने मेरी कृति का गान किया है, जिनके मन ने मेरा ही ध्यान किया है, जो अपने दान पुण्य आदि सब काम मेरे प्रत्यर्थ करते हैं, जो अपना सारा जीवन मुझे ही अर्पण करते हैं, जो मेरे ही प्रेम में व्याकुल होते हैं, आहे शर्दो रंगे जर्दो चश्मेतर इंतजारी बेकरारी बेसबर कम खुर्दनो कम गुफ्तनो ख्वाबे हराम आशिकारम नौ निशाम बासद किशर। एक सूफी संत फरमाते हैं, हे पुत्र, प्रेमियों के ये नौ चिन्ह हैं: ठंडी आहें, पीला रंग, सजल नयन, प्रतीक्षा, बेचैनी, विरह, मिताहार, मित भाषण और निंद का रफू होना। जब लग तन ना ही जरत, मन ना ही जर जात, तब लगी मूर्त श्याम की सपने हु ना ही लखात। जो ऐसे प्रेम कीमत वाले हैं, जो केवल मुझे प्राप्त करने की इच्छा से ही सकाम रहते हैं, जिनके शास्त्र और मंत्र तंत्र सब मेरे प्रीत्यर्थ होते हैं, तात्पर्य यह है कि जो अपने समस्त व्यवहारों और आचरणों में मेरा ही भजन करते हैं, वे मृत्यु के पहले ही मेरा सत्य शुद्ध और बुद्ध स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। फिर भला मरने के बाद वे और कहां जा सकते हैं। इसीलिए जो अपने समस्त व्यवहार स्वयं ही मेरे स्वरूप में अर्पित करते हैं, ये मेरे प्रेमी भक्त एवं उपासक मेरा ही स्वरूप प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आत्म स्वरूप का अनुभव हुए बिना मैं कभी किसी को प्रिय नहीं होता। मैं और किसी उपाय से किसी के लिए साध्य नहीं हो सकता। इन विषयों में
जो अपने ज्ञान का गर्व करता हो उसी को अज्ञानी समझना चाहिए। जो अपना बड़प्पन दिखलाता हो समझ लेना चाहिए कि उसी में कुछ कमी और कच्चाई है। जो अभिमान पूर्वक यह कहता हो कि अब मैं परिपूर्ण हो गया हूं उसके संबंध में खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, उसमें कुछ भी महत्व नहीं है। इसी प्रकार हे अर्जुन, जो लोग अपने यज्ञ योग आदि की अथवा तपश्चरण की डींग हांकते हैं उनके इन सब कर्मों का तृण मात्र भी उपयोग नहीं होता। भला तुम ही बतलाओ कि ज्ञान की सामर्थ्य रखने में वेदों से भी बढ़कर और कौन समर्थ है।